ये स्टूडेंट्स इन दिस मॉड्यूल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन विच इज़ अकोमोडेशन एंड असमलेशन हमारे जो इंटरेक्शनल uh, पैटर्नस होते हैं वो सब्जेक्ट टू चेंज होते हैं किसी एक कल्चर के मोहताज नहीं होते हैं ऐसे नहीं होता कि कल्चरल बाउंड्रीज़ जो हैं वो रिलेटिवली फिक्सड होती हैं और उन्हीं बाउंड्रीज़ के अंदर ही हम अपने इंटरेक्शनल प्रोसेसिस को परफॉर्म कर रहे होते हैं बल्कि कल्चरल बाउंड्रीज़ जो हैं वो स्पूरियस होती हैं उनके अंदर एक दूसरे के हवाले से बर्दाश्त मौजूद होती है और दीज प्रोसेसेस आर दीज प्रोसेस रिफ्लेक्ट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अकोमोडेशन एंड असमलेशन सो लेट अस फर्स्ट फॉर्मली डिफाइन द प्रोसेस ऑफ अकोमोडेशन विच रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग और अडेप्टू कल्चरल डिफ्रेंसिज एंड सिमिलरिटीज़ इन ऑर्डर टू को एग्जिस्ट एंड कॉपरेट विद अदर पीपल सो अकोमोडेशन में तो हम ये देखते हैं कि दूसरे कल्चर से कुछ चीज़ें जब हमारे कल्चर का हिस्सा बनती हैं तो हम उसको अडेप्ट करते हैं हम उन सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसिस के साथ को एग्जिस्ट करने की कोशिश करते हैं uh,

डोमिनेटेड कल्चर की तरफ़ फ्लो करती हैं और जो डोमिनेटेड कल्चर होता है वो उस डोमिनेंट कल्चर के डिफरेंट कल्चरल एस्पेक्ट्स को अपने अंदर अब्ज़ॉर्व करता है और बाजुकात ये होता है कि जो अपनी कल्चरल आइडेंटिटीज़ हैं उनको वो आहिस्ता आहिस्ता खो खो खोता जाता है तो आ, जो असीमेशन प्रोसेस है इसको हम देख सकते हैं कि जैसे पाकिस्तानीज़ जो हैं जब फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं ख़ासतौर पर वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर जाते हैं तो चूँकि वो एक डोमिनेंट कल्चर होता है तो उस कल्चर के अंदर आपको दोनों प्रोसेस को जो है वो समझने में मदद मिल सकती है कि कैसे अकोमोडेशन uh, भी हो रही होती है लेकिन ज़्यादातर जिस प्रोसेस में पाकिस्तानी इंगेज होते हैं वो असिमिलेशन होता है सो अकोमोडेशन एंड असिमिलेशन कैन हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन नॉट ओनली ऑन प्रोड्यूसिंग कल्चरल डाइवर्सिटी बट आल्सो सोशल इंटीग्रेशन एंड सोशल चेंज Uh, अगर हम पाकिस्तान से एग्ज़ाम्पल लें तो इट्स अ फूड फॉर थाट फॉर यू एज़ वेल द एनालाइजिंग द प्रोसेस ऑफ अकोमोडेशन एंड इसमे इन पाकिस्तानी डायस्पोरा कम्यूनिटीज़ एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन देयर सोशल आइडेंटिटी तो हम ये एक ऑब्जर्वेशन uh, की बुनियाद के ऊपर छोटा सा एकाइनमेंट uh, कर सकते हैं कि जो पाकिस्तानी बाहर जाते हैं uh, और वहाँ पे मुस्तकिल रहाइश इख्तियार करते हैं वो दोनों तरह के प्रोसेस में इंगेज होते हैं वो कल्चरल अकोमोडेशन के प्रोसेस में भी इंगेज होते हैं ज़रूरी नहीं होता कि वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वेस्टर्न कल्चर से ले ही रहे होते हैं बल्कि एक्सचेंज टू डैट कुछ अपने कल्चरल एस्पेक्ट्स जो हैं वो वहाँ पे शेयर भी कर रहे होते हैं जैसे कि कम्युनिकेशनल पैटर्न्स हैं जैसे कि लिबास है जैसे कि क्यूजीन है तो ये ये चीज़ें जो हैं वो वेस्टर्न uh, सोसाइटी के अंदर एक्सचेंज के अंदर भी जो है वो इंगेज होते हैं लेकिन इसके साथ साथ प्रीडोमिनेंटली जो है वो कल्चरल सिमलेसन का शिकार होते हैं जिसमें उस डोमिनेंट कल्चर की जो आइडेंटिटी है जो आइडियोलॉजी है और ख़ासतौर पर जो ड्रेसिंग पैटर्नस हैं जो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है ये सारी चीज़ें जो हैं वो डोमिनेंट कल्चर से उस कल्चर के अंदर ट्रांसमिट हो रही होती हैं तो इट्स अ फूड फॉर थाट फॉर यू कि आप देखें कि मुख्तफ ममालिकंदर जाने वाले पाकिस्तानी जो हैं वो किस तरह से इन दोनों प्रोसेस में इंगेज होते हैं